नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां कोविड-19 महामारी के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने समायोजन की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी जिलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए NMS लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, OT टेक्नीशियन, वार्ड बॉय एवं स्वीपर आदि स्वास्थ्य कर्मियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। विभाग के इस कार्यवाही से परेशान इन स्वास्थ्य कर्मियों ने समायोजन की मांग को लेकर अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि महामारी के दौरान वह अपनी व अपने परिवार की परवाह न करते हुए कोविड संक्रमित मरीजों की देखभाल एवं कोविड संबंधी कार्यों में अपनी जान की परवाह किए बगैर न्यूनतम मानदेय पर जनसेवा भाव से सरकार का सहयोग किया एवं पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक कार्य किया, जिसका इनाम हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर दिया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? कर्मचारियों ने कहा कि कोविड के पश्चात भी हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य कार्यक्रमों जैसे जन आरोग्य मेला, आयुष्मान कार्ड, UDSP, डेंगू, पल्स पोलियो, मिशन इंद्रधनुष, नियमित टीकाकरण, ANM प्रशिक्षण, पोस्टमार्टम हाउस एवं उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं अभियानों में निष्ठापूर्ण कार्य कर रहे हैं। सभी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रति उनके समर्पण एवं योगदान व अनुभव को देखते हुए बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय उन्हें समायोजित किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि हरियाणा सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को NHM में समायोजित कर दिया गया है। एक समय ऐसा था जब कोरोना काल को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो एक नौजवान दिख रहे हैं, ये लोग उस समय के कर्मचारी हैं जो संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए थे और कोविड मरीजों की देखभाल, तमाम उपचार का ये लोग काम कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। आज इनकी सेवा को, इनके योगदान को आज विभाग ने भुला दिया है और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये लोग तमाम पदों पर कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बन चुके थे, लेकिन आज ये लोग प्रशिक्षित होने के बाद भी अब अपने घरों को बैठने को मजबूर हो गए। इनको चिंता सता रही है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, महिलाएं ऐसी हैं, इनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी। ये नौजवान अब ओवर एज होने के कगार पर हैं, कहीं इनको नौकरी नहीं मिल सकती, ये लोग बहुत चिंतित हैं। क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र कुमार। क्या मामला है पूरा? सर, अभी हम लोगों को कोविड के पीरियड में रखा गया था और धीरे मतलब एक या दो दो महीने का एक्सटेंशन आता रहा है। अब एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, बता रहे हैं कि आगे बढ़ेगा भी नहीं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का समायोजन किया जाए। तो सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इको गार्डन में धरना स्थल पर, कोई आप लोगों से वार्ता करने के लिए आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर कैसे चलेगा? अभी हम लोग इससे पहले गए थे ब्रजेश पाठक जी के आवास पे, वहाँ से हम लोगों को गाड़ी में भर के यहाँ छोड़ दिया गया है। तो सुबह आप लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ गए थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। वहाँ पे साफ साफ समायोजन के लिए मना कर दिया है। वो ये ऐसा बोले हैं कि हम ना ही समायोजन करेंगे। ब्रजेश, माननीय ब्रजेश पाठक जी ये बोले हैं कि ना हम आपका समायोजन करेंगे और ना ही आपको हम आपकी महीने से एक्सटेंशन देंगे। वो ये चीज बोले हैं कि हम आपको वैकेंसी निकालेंगे, उसमें वेटेज देंगे। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जो कि 45 प्लस एवं हैं, तो उन लोगों का तो मान लो वैकेंसी में हो नहीं सकता है, नहीं मिल सकता ना। अजय, जिसकी एज ओवर हो गई वो क्या करेगा? अब सवाल आप लोगों ने नहीं किया मंत्री जी से? नहीं, हमने किया है, लेकिन वहाँ पे पुलिस हमको जवाब सवाल करने ही नहीं दे रही थी। ऐसा है कि जैसे हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो सफाई कर्मी हैं या वार्ड बॉय है या डाटा ऑपरेटर है, वो तो मान लो पेपर दे नहीं सकते हैं। LT हैं ये वगैरह, ये तो दे सकते हैं। मान लो जो स्वास्थ्यकर्मी और ये सफाई कर्मी चल रही हैं 4th क्लास के, ये लोग तो पेपर बेचारे निकाल नहीं पाएंगे, इनका तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, बेकार ही चल रहा है। कितने कर्मचारी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे लोगों में पहले थे 9000, बाकी को बाहर कर दिया, अभी इस समय 2400 कुछ बचे हैं। मतलब धीरे धीरे मीठा जहर दिया और लास्ट में जो बचे अब उनको बाहर की तैयारी की जा रही है। जी, ऐसा ही हुआ है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या निर्णय लिया है? जब आपके महकमे के मंत्री जी ने मना कर दिया तो आप लोग को धरना पर बैठना तो अब व्यर्थ है। अब धरना ही तो करेंगे, बस हो गया और क्या। जी,
इसी क्रम में यहाँ पर कुछ महिला कर्मचारी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नीतू देवी। क्या कहना चाहेंगे सर? इस पद पर आप काम कर रही थी? जी हम तो स्वीपर के पोस्ट पे काम कर रहे थे, छोटे छोटे सर बच्चे भी हैं, और पहले रोजगार दिया, पर ये सरकार ने ऐसा किया है कि रोजगार दे के बेरोजगार कर रहा है। अब बेरोजगार कर देंगे तो सर अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कहाँ के किस कहाँ काम करेंगे, कहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। ये सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है कोविड के लिए। पहले जब था कोविड तब हम लोग साथ दिए, जब नहीं है तो हम लोगों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। जो भी हम ये कहना चाहते हैं, जो कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और वो ओवर एज हो रहे हैं, आज के टाइम में अगर वैकेंसी आती भी हैं तो हम लोग जब ओवर एज हो रहे हैं तो हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये बताइए। इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। या तो हम लोग जब भर्ती का समय हुआ था तब क्यों नहीं सबको देखा गया कि कौन कितना है, तब तो स्टाफ नर्स की ज़रूरत थी और सबको भर्ती पे भर्ती करा गया था। और आज के समय पे जब ये चीज़ें हो रही हैं कि लोगों की परीक्षा होगी, किस बेस पे परीक्षा होगी, ज़रा ये इस चीज़ का हमको जवाब चाहिए। हम यहाँ पर समायोजन के लिए आए हैं, हम कुल मिला के कितने साल हो गए काम करते हैं? हम लोगों को 4 साल हो गए यहाँ पे काम, 4 साल से काम कर रहे हैं। तो सरकार को उस 4 साल के पीरियड में ही आप लोगों को समायोजित कर देना चाहिए एग्जाम लेके। बिल्कुल करा देना चाहिए। और अभी तक की 4 साल में यही एक्सटेंशन लेटर हम लोगों को 3-3 महीने का दिया जा रहा है। 3 महीने निकलने के बाद अब ये 1-1 महीने का दिया जा रहा है। अब ये हमारा इस महीने का आखिरी है, इसके बाद हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पहले तो 9,000 के आसपास कर्मचारी थे, अब कितने हो गए? 2488। तो सभी लोग को बाहर किया जा रहा है? सब बाहर हो रहे हैं। अच्छा बताइए किन किन पदों पर लोग काम कर रहे थे? सभी हैं, स्टाफ नर्स से लेके वार्ड बॉय, स्वीपर, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स भी हैं, जी। कोरोना काल के समय में आप लोगों ने तो बहुत अपनी जान हथेली पर रख के काम किया होगा, कुछ इसके वृतांत सुनाएंगे? इसके वृतांत सुनाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है कि कोरोना काल का समय कैसा समय था और कैसे लोगों ने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई थी। और आज वही कर्मचारी निकाला जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कहा जाता है आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कोविड कर्मचारी हो? बिल्कुल जी, हम लोग कोविड कर्मचारी हैं। जी मैडम, आपका नाम? शिप्रा वाजपेयी। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि मतलब सरकार ने हम लोगों को जिस समय रखा था उस समय लोग अपने घर वालों की डेडबॉडी तक नहीं ले रहे थे, और आज की डेट में जब सब सही हो गया, सब महामारी ख़त्म हो गई, तो हम लोग को हम लोगों को नहीं ले रहे। तो ये बात सही है क्या आपको लग रहा है? हैं, अगर ये उचित है कार्य तो हम लोगों के साथ में किया जाए, वरना ये बहुत ही ये सरकार सबके साथ में नाइंसाफी कर रही है। नहीं कर सकते, आखिर हम लोग घर बैठ के क्या कर पाएंगे? हमारे भी बच्चे, हमारा भी परिवार है, आगे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि हम लोग आगे कुछ और नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कोविड से हटाने की बजाय हम लोगों का समायोजन करा जाए। आगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपका समायोजन हम नहीं कर सकते हैं, जबकि हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी कोविड कर्मचारी थे उनका सबका समायोजन पिछले साल ही कर दिया था। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को सिरे से नकार रही है कि आपका समायोजन किसी भी पर्पज से नहीं हो सकता है, आप लोगों को वेटेज दिया जाएगा, किसी को 5 नंबर का, किसी को 15 नंबर का, इसके अलावा हमारे पास कोई इसका ऑप्शन नहीं है। इस विषय में कई बार हम लोग MD NHM मैडम से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनका भी रवैया साफ है कि आपका समायोजन नहीं हो सकता है, अगली ये इसी 31 जुलाई के बाद आपकी सेवाएँ समाप्त हो जाएंगी। निश्चित रूप से देखा जाए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इन लोगों को कोविड कर्मचारी कहा जाता था, कोरोना काल में इन लोगों की भर्ती हुई थी, तब से ये लोग लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, अपने जान हथेली पर रखकर इन लोगों ने मरीजों की सेवा की है। आज भी ये लोग अपने दायित्वों का भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। देखा जाए तो ये लोग एक तरह से अनुभवी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों के तमाम डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, NM हैं, आया हैं, तमाम पदों पर ये लोग स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न CSC PSC और जिला स्तरीय अस्पतालों पर ये लोग काम कर रहे हैं। आज जब सरकार को जरूरत है
कर्मचारियों की, तो इनको निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, नई वैकेंसी का बहाना बनाया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है इन लोगों के साथ? इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी को सोचना चाहिए। जिस तरह एक झटके में आज उन्होंने इन कर्मचारियों से कह दिया कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी निकलेगी तो वेटेज के आधार पर आप लोगों को नौकरी मिल सकती है, मिलेगी नहीं मिल सकती है। और इसी क्रम में यहाँ पर ऐसे कर्मचारी ऐसे हैं जो ओवर एज होने के कगार पर हैं, कुछ की उम्र 45 की पार हो रही है। अब सोचने वाली बात है, यदि वैकेंसी निकलती है तो इन लोगों के लिए क्या प्राविधान किया जाए? जिस तरह से साफ कह दिया गया कि वेटेज मिलेगा, जो ओवर एज हो गए हैं, तो क्या उनको उम्र में आयु सीमा में भी वेटेज मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच ये लोग पिस रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों का निर्णय है कि इन लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक इनके विषय में, इनके मामले में सरकार हस्तक्षेप करके इनको संतुष्ट नहीं करती है, तब तक ये लोग अनवरत यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन पर बने रहेंगे। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।